हेलो, वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, हम लोग अपने यूट्यूब चैनल यानी क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल पर काफ़ी दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल रहे थे, क्योंकि हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई थी अपने ऐप पर। इस वजह से टाइम की थोड़ी कमी पड़ गई थी और अब लाइव क्लास सही से सेटल हो चुकी है, तो अब हम लोग लगातार वीडियो आपके क्वांटम कोचिंग लखनऊ के चैनल पर डालेंगे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो इससे पढ़ रहे हैं उनका फायदा हो और उन्हें अच्छी जानकारी मिले और बहुत सारी नॉलेज उन्हें मिले। तो आज जो हम आपको बता दें, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट की बात करेंगे। यानी एक तरह से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की बात करेंगे। जनरली बहुत सारे लोगों ने बताया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग, लेकिन उन्होंने इतना टिपिकल कर दिया है कि लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल होता। तो हम लोग बहुत आसान मेथड से आपको बताएंगे कैसे नेमिंग की जाती है, और इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है थोड़ा आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना आएगा तो आसानी से आप नेमिंग कर लेंगे, उतना तो आप लोग को आता होगा। और ये 11th के लिए, 12th के लिए, नीट के लिए, IIT के लिए आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर Na2SO4 है, आपको ये रटा होता है सोडियम सल्फेट है, कहीं पर जरा बताइएगा H2SiO3 है, आपको नहीं पता उसका नाम, कहीं पर Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट आपको रटा होता है, ये एट कैसे लगता है, आइड कैसे लगता है, अस कहाँ लगता है, इक कहाँ लगता है, इसका मतलब हम लोग आपको पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑक्सी एसिड की नेमिंग बताएंगे आपको, फिर ऑक्सी एसिड से बने हुए साल्ट की नेमिंग बताएंगे, मतलब एक तरह से इनऑर्गेनिक साल्ट की नेमिंग बताएंगे, और इसके अलावा हम लोग ऐसे भी साल्ट के बारे में बताएंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो टाइम ना बर्बाद करते हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझ लिए, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, हमने आपको नेमिंग की शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, इसको हम लोग शुरू करते हैं और बिल्कुल टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। आपके ऊपर हम लोग हेडिंग डली होगी और वो हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एक तरह से इनऑर्गेनिक सॉल्ट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले तो कुछ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कहाँ कैसे बताएंगे हाइड्रा एसिड बनता है, कैसे ऑक्सी एसिड बनता है, साल्ट थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते हैं। वैसे तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि 9th 10th में पढ़ा होगा, इसके अलावा 11th 12th में पढ़ा होगा, जो नीट के बच्चे होंगे, IIT के बच्चे होंगे, लेकिन सबके लिए थोड़ा सा पहले बता देते हैं। जैसे कहीं पर देखिए फर्स्ट नंबर पर, अब देखिए ऊपर तो हेडिंग आपकी डली हुई है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एक तरह से इनऑर्गेनिक साल्ट, सबसे पहले ऑक्सी एसिड का बताएंगे फिर साल्ट का बताएंगे। तो देखिए, अगर कहीं पर ये मेटल को हम लोगों ने एम से लिया है, और एम से लिया है और आप जानते हैं मेटल यहां पर हम लोगों ने एम से डिनोट किया है, और अच्छी तरह से जानते हैं आप लोग कि मेटल जो होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, ये देखिए लिख दिया हमने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे एंड बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होगा मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और बेसिक इन नेचर होंगे। पहली बात आपके सामने समझ में आई। अब जरा बताइएगा, अगर ये मेटल हाइड्रोजन से लगा हुआ है तो ये क्या बनाएगा, मेटल अगर ये, जैसे कोई मेटल अपने दिमाग में ले लिए, सोडियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, लिथियम ले लीजिए, उसको सोचिए अगर NaH होता, LiH होता या MgH2 होता तो क्या होता, ये हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, मेटल हाइड्राइड। तो पूरा अगर लिखें यहां पर तो कहेंगे मेटल हाइड्राइड। पहले छोटी सी जानकारी जो आप लोगों को हम देना चाहते हैं वो दे दे रहे हैं। अब एग्जाम्पल में अगर आप देखें, एग्जाम्पल में इसके देखें मेटल हाइड्राइड के, तो जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, सोडियम हाइड्राइड हो गया, इसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, तो ये आप एग्जाम्पल बना सकते हैं, मेटल को हाइड्रोजन से आपने लगाकर बना दिया। दूसरा जो यहां पर, अगर मेटल कभी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से लगता है, मतलब OH से लगता है, मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से लगेगा क्या बनाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से जैसे आप देखें कैल्शियम अगर हाइड्रोक्साइड से लगता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, सोडियम लगता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी OH तो उसमें होता है, तो यहां पर बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड, या सिंपली हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। और देखिए एग्जाम्पल भी आपके सामने हमने यहां पर लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए दूसरी बात हम लोग करते हैं यहां पर नॉन मेटल की। अब नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल को हमने N से डिनोट किया, और नॉन मेटल्स क्या होंगे, R देखिए यहां पर इलेक्ट्रो निगेटिव होंगे, क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रो निगेटिव एंड एसिडिक इन नेचर, किस नेचर के होंगे भाई,
एसिडिक नेचर के होंगे, ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। अब यहां समझिएगा, अगर नॉन मेटल अगर आपका हाइड्रोजन से लगा हुआ है, अब जैसे कोई नॉन मेटल लेकर देखे, फ्लोरीन को देखिए, क्लोरीन को लेकर देखिए, तो क्या बनता, हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता भाई, हाइड्रा एसिड। जैसे एग्जांपल में आपसे हमने बताया, एग्जांपल में बताया HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, बहुत सारे अमोनिया, सब हाइड्रा एसिड है। और अगर यही नॉन मेटल बताइएगा लगता है OH से, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, या हाइड्रोक्साइड से, सिंपली ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगता है, तो ये बना देता ऑक्सी एसिड। और इसी की नेमिंग हम लोगों को पहले सीखना है, ऑक्सी एसिड। अब ऑक्सी एसिड का एग्जांपल भी देख लीजिए, ऑक्सी एसिड का एग्जांपल अगर आपको दिखाएं, जैसे H2SO4, देखिए यहां पर सल्फर नॉन मेटल है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से लग रहा है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड देख लीजिएगा, नाइट्रोजन यहां पर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लग रहा है। इसी तरह से H2CO3 देख लीजिएगा, बहुत सारे बनेंगे। तो इनकी नेमिंग को पहले हम लोग सीखेंगे, तब फिर हम लोग साल्ट की नेमिंग को अच्छी तरह से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगी। यानी आपसे हमने बताया कि अगर मेटल हाइड्रोजन से लगा हुआ है तो हाइड्राइड बनेगा, मेटल अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर नॉन मेटल हाइड्रोजन से लगा हुआ हाइड्रा एसिड बनेगा, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगा हुआ तो ऑक्सी एसिड। इसी ऑक्सी एसिड की नेमिंग सीखना है। और एक बात और आपको बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको एसिड ऑक्सी एसिड के बारे में बता दिया जिसकी नेमिंग हमको सिखानी है, और साथ साथ हमको यहाँ पर साल्ट की नेमिंग भी आपको बतानी है। तो साल्ट की भी नेमिंग अगर बतानी है तो साल्ट के बारे में भी आपको हम बता दें। सिंपली आप जानते हैं साल्ट जो होता है वो एसिड और बेस का मिक्सचर होता है, मेनली ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने Na2SO4 ले लिया, ये साल्ट ले लिया, तो याद रखिएगा एवरी साल्ट हैव टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होंगे। एक होता है कैटायनिक पार्ट, एक होगा कैटायनिक पार्ट और एक होगा आपका एनायनिक पार्ट, दूसरा क्या होगा एनायनिक पार्ट होगा। तो एक कैटायनिक पार्ट और दूसरा एनायनिक पार्ट है। अच्छा, कैटायनिक पार्ट जैसे यहां पर देखिएगा Na प्लस है, और एनायनिक पार्ट क्या हो गया सल्फेट -2 हो गया। तो हर साल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक कैटायनिक और एनायनिक, बस समझिएगा इसको, बाकी लिखना तो आपको क्या है यहां पर। और कैटायनिक पार्ट हमेशा किससे आया होगा, बेस से आया होगा, इसीलिए इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, बेसिक रेडिकल। ये आपका बेसिक रेडिकल होगा क्योंकि ये देखिए बेस से आया होगा, और ये जो एनायनिक पार्ट होगा ये एसिड से आया होगा, इसीलिए इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, एसिडिक रेडिकल कहेंगे। तो दो पार्ट हैं, एक बेसिक रेडिकल से और एक एसिडिक रेडिकल से। जैसे बताइएगा यहां पर अगर चेक करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है और ये मान लीजिए H2SO4 से आया है, यही मिलकर क्या बन गया, Na2SO4 बन गया और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो एक बेस से आया है जिसको हम लोग कहेंगे बेसिक रेडिकल, और एक एसिड से आया है जिसको हम लोग कहेंगे एसिडिक रेडिकल। दो पार्ट होते हैं, एवरी साल्ट हैज टू पार्ट, याद रखिएगा कैटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट। कैटायनिक पार्ट जो होगा बेसिक रेडिकल होगा, एनायनिक पार्ट जो होगा एसिडिक रेडिकल होगा। अब साल्ट के बारे में भी आप लोग जानेंगे। तो हम लोग अब हेडिंग डालते हैं यहां पर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड। सबसे पहले ऑक्सी एसिड आप समझ ही गए कि ऑक्सी एसिड में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा और साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा और नॉन मेटल तो होगा ही होगा। तो ऑक्सी एसिड को आप लोग समझ गए कि ऑक्सी एसिड में क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नॉन मेटल तो लगना ही लगना है। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऑक्सी एसिड। तो ऑक्सी एसिड की नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे और सुनिएगा, यानी नेमिंग ऑफ, यहां पर लिखते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड आप लोग को नजर आ रहा होगा, बहुत आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको पूरा नोट पसंद आए तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जम कर पढ़िए। करीब करीब 3 लेक्चर में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर होंगे, 15 to 20 मिनट्स के होंगे, तो आपको मैक्सिमम 3 लेक्चर मिलाकर 45 मिनट्स में आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा। तो नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड की अगर बात करें तो हम कौन कौन से टर्म यूज करते हैं ये आपको सबसे पहले बताते हैं। देखिए आप एक तो हाइपो अस यूज करते हैं, हाइपो अस, दूसरा आप अस यूज करेंगे अस, तीसरा आप इक यूज करेंगे और चौथा पर इक यूज करेंगे। ये चार यहां पर, ये चार आप ऐड करते हैं नेमिंग में, यानी आप कौन कौन से बताइए क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, ये हमने दिखाया नेमिंग में ऑक्सी एसिड के, हाइपो अस,
अस इक परिक। अच्छा कहीं पर आर्थो, अब जैसे इक वाले में ही क्या होता है आर्थो आता है, या सिंपली यहां पर पहले लिखते हैं मेटा और उसके बाद आर्थो और फिर आपका आएगा पायरो। ये आपको अभी आगे चलकर बताएंगे कब आर्थो मेटा और पायरो आता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से, और आपसे हमने बताया इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, और जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, हम उनको एक लेक्चर में या दो लेक्चर में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूरा सिखा देंगे जिनको नहीं आता होगा, क्योंकि उसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो बहुत जगह पर जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ही बताते हैं, ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, चार वर्ड आपने बताया, हाइपो अस अस इक परिक। अच्छा एक बात आपको बता दें, ऑक्सी एसिड जो आपने अभी देखा वो नॉन मेटल ही बनाता है, कौन बनाता है भाई, नॉन मेटल बनाता है, आपको ये बात तो पता ही होगी, हमने नॉन मेटल को ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लगाया तो बताइए ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे आप खुद चेक करिएगा, अगर हम नॉन मेटल यहां पर लिखें, साइड में यहां पर लिखते हैं और ये यहां पर लिख देते हैं, देखिएगा तो पहले इसको जरा मिटाकर फिर लिखते हैं, वरना फिर बीच में आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अभी हम फिर बाद में लिख देंगे, नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड चल रही है, ठीक है, और ये भी हम मिटा देते हैं, आपको पता ही है नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड चल रही है। देखिए बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है, ये थर्ड ए ग्रुप है, कौन सा भाई, थर्ड ए ग्रुप, ये नॉन मेटल वाला हम बना रहे हैं आपके सामने, आज पहला इंट्रोडक्शन है। वैसे तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको हम पीरियडिक टेबल याद करने, जो मेन मेन याद करना होता है उसको हम बता देंगे कैसे याद करना है। जैसे हम लोगों ने इसको याद किया था, बताइएगा यहाँ पर बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बी से बाल और ये बी एल बाल हो गया, गंगाधर इंडियन तिलक, ये थर्ड ए ग्रुप होगा, ये आप अलग से हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर फोर्थ ए ग्रुप आप रिक्वेस्ट करेंगे तो बता देंगे, यहाँ पर आपका होगा कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनस और यहाँ पर प्लम्बस, स्टेनस और प्लम्बस, इसको हम लोगों ने कहा था चोर सीधे घर से पकड़ा, ये हमने बनाया था, आप बताएंगे कभी तो हम लोग बता देंगे यहां पर। और फिर उसके बाद फिफ्थ एक ग्रुप है और यहां पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ है, ये देखिए, और ये हम लोगों ने बनाया था नाना पाटेकर आए सब्जी बेचे, या सिंपली कह सकते हैं नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये भी कह सकते हैं बना चुका है हम लोग। और फिर उसके बाद सिक्स ए ग्रुप आएगा आपका, सिक्स ए ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम और बताएगा पोलोनियम, हम लोगों ने इसको बनाया था ऊपर साइड से टेढ़ा पोल, आप कहेंगे तो किसी इंडिविजुअल लेक्चर में हम आपको ये याद करना सिखा देंगे जो याद करना होता है, क्योंकि इलेवेंथ वालों को बड़ी दिक्कत होती है याद करने में। और सेवेंथ ग्रुप ये तो सभी को याद रहता है, इसमें हम लोग बनाते नहीं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टाटीन, वैसे हमने बनाया था फिर चलो बढ़ो इंडिया अटैक हम लोगों ने बनाया था, और भी कुछ हो सकते हैं हम बताएंगे। तो इतना अब जीरो ग्रुप को लिखना नहीं, इतने नॉन मेटल की हम बात बता रहे हैं, मेनली नॉन मेटल वाले यही हैं। और 20 से अगर ऐसे करके आप यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इधर नीचे वाले जो होते हैं वो मेटल की तरह, ये जरा बताइएगा, ये नीचे वाले जो होते हैं ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं, मेटल की तरह, और ये ऊपर वाले सब होते हैं नॉन मेटल की तरह, नॉन मेटल, और बीच में जो ये आता है ये मेटलाइड की तरह यूज किया था। तो ऐसे ही करके बना लिया जाता है, मतलब नीचे के आप देखिए एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये बिस्मत हो गया, बिस्मत का भी मेटलिक नेचर होता है, और इस तरह से क्रॉस करते हैं तो बीच वाले मेटलाइड होते हैं। ये तो हम किसी अलग लेक्चर में आपको पूरा समझा देंगे कैसे आपको ट्रिक बनानी है, लेकिन इतना समझ गया कि जो नॉन मेटल होगा, ये बोरान भी होता है यहाँ पर, बोरान भी यहाँ पर होता है, तो देखिए नॉन मेटल जो होगा आपका वो सिंपली आपका देखिएगा सेवेंथ ग्रुप में सबसे ज्यादा होंगे, फिर सिक्स ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में, और उसके बाद जरा बताइए आर्सेनिक को भी मेटलाइड की तरह ही यूज करते हैं, तो वो नॉन मेटल मेटल दोनों बना सकता है, बोरान भी वैसे ही बना सकता है, नॉन मेटल और मेटल दोनों की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब दोनों के कंपाउंड बनाते हैं ये लोग। तो ये इतने लोग ऑक्सी एसिड को बड़े आसानी से बताएं, कुछ मेटल भी ऑक्सी एसिड बनाते हैं वो हम आगे चलकर बताएंगे, मैग्नीज और क्रोमियम जो होता है वो मेटल बताएगा, वो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब आप समझ गए कि सबसे जल्दी जो ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन करेगा वो सेवेंथ ए ग्रुप वाले करेंगे, उसके बाद सिक्स ए वाले, फिर फिफ्थ ए, फिर बताए फोर्थ ए वाले, फिर हम लोग थर्ड ए वाले, यानी सबसे पहले 17 ग्रुप, फिर 16, फिर 15, फिर बताए यहाँ पर 14, फिर 13, इस ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे।
इस ऑर्डर में पढ़ेंगे, इतना समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ नॉन मेटल इन सब में कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, इतना समझ गए आप कि सबसे तेजी से जो ऑक्सीएसिड यानी सबसे ज्यादा जो ऑक्सीएसिड का फॉर्मेशन करते हैं वो कौन करते हैं, सेवेंथ ग्रुप, उसके बाद बताइएगा सिक्स ग्रुप, उसके बाद बताइएगा आपका फिफ्थ ग्रुप, और ऐसे करके आप थर्ड ग्रुप तक पहुंच जाएंगे। तो पूरी बात क्लियर हो गई, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा ऑक्सीएसिड बनाएगा। अब हमने कहा था क्या क्या नाम लिखते हैं ये आपको हम यहां बता दें। सबसे पहले हम लोगों ने कहा हाइपो अस लिखते हैं, हाइपो अस लिख दिया, फिर बताइएगा अस लिख दिया, फिर एक लिख दिया, और फिर पर एक लिख दिया। लिख दिया भाई, हाइपो अस, अस एक, पर एक। अब चलिए सबसे पहला जो आज के लेक्चर में हम पूरा कर दें, सेवेंथ ए का दिखा दें, सेवेंथ ए यानी सेवनटीन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें, इसमें से फिर चलो बढ़ो इंडिया अटैक जो हमने बताया, इसमें फ्लोरीन और एस्टाटीन ये दोनों ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन नहीं करते। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा था, क्यों? क्योंकि ऑक्सी एसिड में जो नॉन मेटल होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, अभी आप आगे चलकर देखेंगे, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि ये पॉजिटिव चार्ज तो रखते ही नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो जीरो है और मिनिमम माइनस वन है, तो ये कभी ऑक्सीएसिड बनाएगा नहीं। फ्लोरीन ऑक्सीएसिड का फॉर्मेशन नहीं करता है क्योंकि सेंटर, बताइए सिंपली याद रखिएगा, ऑक्सीएसिड के नॉन मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आता है जबकि फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेगा। तो और एस्टाटीन क्यों नहीं करता, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटलिक नेचर बढ़ता जाता है, तो एस्टाटीन का मेटलिक नेचर होता है, मेटल जनरली ऑक्सीएसिड का फॉर्मेशन नहीं करते, एक दो को छोड़कर जो हमने आपको बताया क्रोमियम और मैग्नीज, वो आगे बताएंगे। अब सुनिएगा, सेवेंथ ए ग्रुप है तो मैक्सिमम कभी भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो अगर, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर के, अब ग्रुप नंबर तो आप निकालना जानते हो, ये हम तो यहां नहीं बताएंगे, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर माइनस एट। तो एक तो बात समझ गया, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सेवन होगा, और हमको सब प्लस वाला रखना, माइनस वाला नहीं रखना है। तो देखिए इसका क्या क्या हो सकता है, इसका प्लस वन होगा, प्लस थ्री होगा, प्लस फाइव होगा और प्लस सेवन होगा, इतनी ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर सकता है। प्लस वन में हाइपो अस रखेंगे, हाइपो अस, प्लस थ्री में अस रखेंगे, प्लस फाइव में एक रखेंगे और प्लस सेवन में क्या रखेंगे, पर एक रखेंगे। सुन लीजिए भाई, फिर से सुन लीजिए, प्लस वन, वन थ्री फाइव सेवन, इतना याद रखना है आपको, मैक्सिमम वाला तो हमेशा याद रहेगा, जो ग्रुप है वही मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम सेवन होगा, वन से स्टार्ट करते हैं यहां पर, वन थ्री फाइव सेवन, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ सकते हैं, आपको खाली वन थ्री फाइव सेवन याद रखना है। वन वाले मिनिमम वाला हमेशा अस और मैक्सिमम वाला हमेशा एक, और अगर मान लीजिए दो ही होता तो अस और एक यूज करते, लेकिन यहां पर देखिए वन है हाइपो अस और सेवन वाला क्या हो गया, पर एक। अब जरा नाम लिखते हैं, एच एक्स ओ, एक्स तो हैलोजन को डिनोट करते हैं भाई, एक्स क्या होता है, एक्स हैलोजन होता है, आपको पता होगा हैलोजन में आप एफ सी एल बी आर आई सब ले सकते हैं, तो एच एक्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कितना आसान, देखिए हाइड्रोजन का प्लस वन जिसका निकालना एक्स मान लीजिए, और ऑक्साइड का जानते हैं नॉर्मली माइनस टू होता है, इक्वल टू जीरो कर दिए, एक्स कितना आ गया फोर माइनस वन। अगर ये निकालना ना जानिएगा तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, यहां पर आ गया प्लस थ्री, और प्लस थ्री में क्या यूज करना है, अस, इसका नाम हो गया हैलस एसिड, क्या हो गया भाई, हैलस एसिड। अगर ये क्लोरीन होता क्लोरस एसिड, अगर ये ब्रोमीन होता ब्रोमस एसिड, अगर ये आयोडीन होता आयोडस एसिड, आयोडेक्स नहीं आयोडस एसिड होता। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एच आई ओ थ्री, आप चेक करिएगा एच आई ओ थ्री यहां पर आएगा प्लस फाइव, आप निकाल के देख लीजिएगा इसी मेथड से, प्लस वन थ्री इंटू माइनस टू रख के देख लीजिएगा, प्लस फाइव आएगा, तो आप जानते हैं एक यूज होगा, अब इसका नाम हो गया आयोडिक एसिड। कितना आसान है, वन थ्री फाइव सेवन खाली याद रखना है। इसी तरह से देखिएगा HClO4 बड़ा हिट कंपाउंड है, HClO4, HClO4 बड़ा हिट कंपाउंड है, क्लोरीन देखिए निकाल के देखिए, प्लस वन यहां पर एक्स रखा है जिसका नहीं पता होता, फोर इंटू ऑक्साइड, जनरली नॉर्मल ऑक्साइड हमेशा माइनस टू रखता है, पर ऑक्साइड में माइनस वन होता है, और इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर कसम जीरो, क्योंकि इस पर कोई चार्ज है ही नहीं,
तो देखिएगा एक्स इक्वल टू जब कोई चार्ज ना हो तो उनके सभी का ऑक्सीडेशन नंबर मिलाकर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए 8 माइनस 1 कितना आ गया, 7 प्लस 7, और प्लस 7 होगा तो हम लोग क्या रखेंगे भाई, पर इट। इसका नाम है, देखिए क्या नाम होगा इसका, पर क्लोरिक एसिड। क्या होगा भाई, पर क्लोरिक एसिड या पर क्लोरोइक एसिड भी कह सकते हैं। तो पर क्लोरिक एसिड है। आप देखिए कितनी आसानी से समझ गए कैसे कैसे करना है। और जरा मिटाकर और हम आपको बता दें कुछ और एग्जांपल यहाँ पर बता दें। देखिए मेनली तो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यही बताइए। हमने आपसे बताया फ्लोरीन बनाएगा ही नहीं, इसका मतलब क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ही बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब जैसे मान लीजिए HClO2 होता है, HClO2 यहाँ खुद चेक करिए, प्लस 1 एक्स और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कितना आ गया भाई प्लस 3, प्लस 3 आ गया। आप समझ गए अस रखना है, क्या रखेंगे भाई यहां पर, क्लोरस एसिड। क्या हो जाएगा भाई, क्लोरस एसिड हो गया, क्लोरस एसिड हो गया। अब जरा देखिएगा यहां पर अगर होता HIO2, यहां फिर से प्लस 3 निकलता, क्या होता आयोडस एसिड हो जाता। आप सुनिएगा ये सारे नाम, और देख लीजिए अगर हमारा HClO होता यहां पर आता प्लस 1 एक्स और यहां पर माइनस 2 इक्वल 0 एक्स आ गया आपका प्लस 1, यहां पर प्लस 1 आ गया, नाम इसका होगा हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम होगा भाई, हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए कितनी आसानी से, खाली आपको याद रखना है, कितना याद रखना है, सेवन ग्रुप में लास्ट वाला तो 7 याद ही होगा, 1 3 5 7, 1 हाइपोस, 3 अस और बताइए 5 एक और 7 पर एक, ये हो गया 7th ए ग्रुप खत्म। अब हम लोग बात करते हैं 6th ए ग्रुप की। तो चलिए 6th ए ग्रुप की बात करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है तो एक काम करते हैं 6th ए ग्रुप थोड़ा सा बता देते हैं आपको, और बाकी जो होगा अगले लेक्चर में हम लोग आपसे एसिड के बारे में बताएंगे। तो 6th ए ग्रुप आप चेक करिए, 6th ए ग्रुप की बात करिए, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है और टेलिनियम और पोलोनियम। पोलोनियम तो मेटलिक नेचर का होता, बनाएगा ही नहीं। और देखिएगा इसमें दो होते हैं, एक प्लस 4, मैक्सिमम वाला तो आपको पता होगा हमेशा मैक्सिमम वाला क्या होगा, 6 होगा एक, क्योंकि मैक्सिमम वाला हमेशा ग्रुप नंबर के इक्वल होता है। तो यहां दो, 7th में 1 3 5 7, यहां पर 4 और 6। अब एग्जांपल देते हैं H2SO4, सब लोग जानते हैं इसको, आयल ऑफ विट्रियल, किंग ऑफ केमिकल, नाम इसका सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों, देखिए 2 और प्लस एक्स, यहां पर 4 माइनस 2, ये हो गया 0, एक्स आ गया कितना 6, और आपको पता एक रखना, इसीलिए तो आप अब देखिए इसका नाम पक्का हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हो गया भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर हम H2SO3 रखेंगे यहां पर, देखिए आएगा खुद निकालिए प्लस 2 एक्स 3 माइनस 2 और इक्वल टू 0, यानी आएगा 4। क्या नाम हो जाएगा इसका, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। और इसमें कुछ पायरो वाले, बेटा वाले और मेनली पायरो वाले भी इसमें होते हैं, वो आपको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, 7th और 6th का थोड़ा दिखाया, थोड़ा पार्ट आपको आगे बताएंगे। 3 या 4 लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 15-15 मिनट के लेक्चर होंगे, मतलब 1 घंटे में आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग को आसानी से सीख जाएंगे। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का मिल ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं, कल फिर आपको ये, फिर हम आपको एक नया लेक्चर बनाकर दे देंगे, लगातार 4 दिन में आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो आप लोग कमेंट करेंगे उसी तरह के कोर्सेज बनाए जाएंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक के कोर्स बनाए जाएंगे। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, जम के पढ़िए, खूब मेहनत करिए, लगातार पढ़िए।